हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स प्राइम चैनल। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें, जिससे कि जो भी अगर नई वीडियो आएगी हमारे चैनल की तरफ से तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए हमारा चैनल वैसे तो स्टडी रिलेटेड है, बट जो ये टॉपिक है वो सबके साथ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। मोस्टली सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, मैंने भी फेस किया खुद, कि जो क्वेश्चन रहता है क्या है कि हाउ टू गेट फास्ट इंटरनेट स्पीड इन योर एंड्रॉयड मोबाइल। देखिए हम आजकल जो मोबाइल हैं उसी में अपने जो वीडियो देखते हैं या कहीं वैकेंसी अप्लाई करना है, मोस्टली आजकल मोबाइल का यूज़ होता है। लैपटॉप या कंप्यूटर है अब रेयरली ही हम यूज़ करते हैं। जो मेरा खुद का है लैपटॉप, में पता नहीं कितने महीनों के बाद उसको ओपन करके देखता हूँ। तो जो मोबाइल है उसमें दिक्कत क्या रहती है कि जैसे आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप में जब नेट यूज़ करते हैं मॉडेम से या किसी भी अन्य तरीके से, तो उसमें स्पीड बढ़ी आती है, बट जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें क्या रहता है, स्पीड कछुआ। सही कह रहा हूँ मैं, उसमें स्पीड क्या मिलती है, बिल्कुल कछुए जैसी। कई बार तो ये होता है कि जैसे कुछ एरिया में तो नेटवर्क जहाँ बढ़िया आ रहा है वहाँ पर तो आती है स्पीड बहुत अच्छी, पर कई जगह पर बहुत ही धीमी स्पीड आती है। इवन दो जैसे मेरा घर है जहाँ पर, वहाँ काफ़ी कम स्पीड आती है, और हर बार मतलब आपके लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि आप कहीं ऐसी जगह ढूंढे अपने घर में, या जैसे जैसे वहाँ छत पे जाए या फिर और कहीं जाकर अपने इंटरनेट संबंधी काम करें। तो ये ट्रिक जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें हम क्या देखेंगे इस वीडियो में कि आपकी जो मोबाइल की स्पीड है, जो डाटा की स्पीड, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो मैंने खुद भी देखी डाटा की स्पीड बढ़ाने के लिए, किसी में जो उसका सेटिंग बताते हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। बट जो ये टेक्निक है ये बिल्कुल जेन्युइन है, मैंने खुद यूज़ किया, मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, आपको भी हेल्प हो। क्योंकि कई बार इमरजेंसी होती है या कुछ ज़रूरी काम होता है और उस टाइम पे आपका नेटवर्क ना आए, मीन्स आपका नेटवर्क जो डाटा की स्पीड है वो कम आए, तो फिर दिक्कत होती है। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, क्या आप भी मोबाइल डाटा की धीमी स्पीड से परेशान हैं? बिल्कुल होंगे जी। ठीक है, हर कोई है, कई बार जैसे कई बार बढ़िया स्पीड आती है, या फिर आपका जैसे घर है इस जगह हो जैसे जहाँ टावर वगैरह पास में है, तो वहाँ क्या होता है कि नेटवर्क कवरेज बढ़िया रहती है और आपकी डाटा की जो डाउनलोडिंग स्पीड है मोबाइल पे वो बढ़िया आती है। पर कई बार तो हद हो जाती है, कोई आपने टास्क डाउनलोडिंग पे लगा रखी हो, ठीक है, ऐसा मन करता है इसको, मतलब जैसे ये मैंने पिक्चर भी इसी रिलेटेड इसलिए लगाई थी कि डाउनलोडिंग की स्पीड आती नहीं, और हम ये सोचते हैं कि काश इसको आगे बढ़ा पाते, खींच पाते, वो बिल्कुल रुक सी जाती है। और कई बार तो डाटा की स्पीड इतनी धीमी होती है ना कि नींद आने लगती है, मेरे साथ हुआ भी है कई बार। जैसे मान लो कोई, जैसे यूट्यूब हमारा चैनल है आपको पता है टॉपर्स प्राइम, तो कई बार इसमें मान लो वीडियो अपलोड करनी है और रात को जैसे मैं मतलब टाइम ये देखना पड़ता है कि कब डाटा की स्पीड ज़्यादा आएगी, जैसे रात को 10-11 बजे के बाद डाटा की स्पीड आती है, या फिर सुबह में 4-5 बजे के करीब, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, तो ट्रैफिक इन द सेंस मतलब नेटवर्क ट्रैफिक है वो कम होता है, ठीक है, कार वाला ट्रैफिक नहीं, तो वहाँ पे जब डाटा की नेटवर्क ट्रैफिक कम रहता है तो मतलब कम लोग यूज़ करते हैं, तो डाटा की स्पीड अच्छी आती है। पर दिन में ऐसा नहीं होता, या जैसे पीक आवर्स होते हैं, पीक मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं नेट को, जैसे शाम के समय आप देख लीजिए 5 से लेकर 8-9 बजे तक, ठीक है, या दिन के समय हमेशा पीक आवर्स ही रहते हैं, तो डाटा यूज़ करते करते क्या होता है, नींद आने लग जाती है बिल्कुल, और कई बार सो भी जाता हूँ मैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि बोर होने लगते हैं कि डाटा जो डाउनलोडिंग है या अपलोडिंग है जो हमारी वो पूरी हो जाए, पर पूरी होती ही नहीं, उसका ग्राफ जो स्पीड का नेटवर्क का वो डाउन ही रहता है। फिर हम क्या इमेजिन करते हैं, काश हमारे पास एक ऐसा बटन होता जिससे जो नेटवर्क है उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता, सोचते हैं ना आप भी, बिल्कुल सोचते होंगे, मैं भी खुद भी सोचता था जब तक मुझे ये ट्रिक नहीं पता थी। तो जो हमारा एंड्रॉयड मोबाइल, जैसे आप सबको पता है आजकल 4G मोबाइल हैं सबके पास, ठीक है, और जो जियो है उसके आने के बाद जो 4G में एक कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन आ गया है,
क्योंकि पहले नेटवर्क की जो कॉस्ट था काफ़ी हाई था, जैसे जैसे मैंने खुद भी कराया, आपने भी कराया होगा, 1 GB का प्लान लगभग 300-400 के करीब था, और 1 GB पूरे महीने के लिए हम यूज़ करते थे, और स्पीड कैसे आती थी 3G में, रो रो के चलते थे मोबाइल। तो हाउ अब जो हमारे 4G मोबाइल हैं, ठीक है, उनमें स्पीड बहुत अच्छी आती है। तो हाउ टू स्पीड अप मोबाइल इंटरनेट ऑन एंड्रॉयड, तो हमारे 4G की जो मैक्सिमम लिमिट है, मतलब मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है, उसको कैसे ले सकते हैं हम, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका प्रॉपर बेनिफिट है जो पा सकते हैं, जो हम पैसे देते हैं कंपनीज को, कंपनी भी स्पीड देती हैं, बट क्या होता है कि नेटवर्क कवरेज या जो भी है रीज़न, उसकी वजह से कई बार हम उसको यूज़ भी नहीं कर पाते, जब हमें ज़्यादा ज़रूरत होती तब भी ऐसा ही हो हमारे साथ हो जाता है। तो मोबाइल डाटा की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। अगर आपकी मान लो 1 या 2 KBPS की स्पीड आ रही है, तो आप उसको 200 से 250 KBPS की स्पीड तक कर सकते हैं, बिल्कुल लो से हाई कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, सही सुना आपने, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, मैंने खुद भी देखी हैं, जिसमें कहते हैं कि नेटवर्क की स्पीड बढ़ा देंगे, आओ कैसे बढ़ा, ये कर लो वो कर लो, सारी क्या होती हैं, बिल्कुल अपने वाचिंग आवर्स बढ़ाने के लिए या फिर अपने चैनल को पॉपुलर करने के लिए। सच में जो लास्ट में देखते ना, अपने आप को बेवकूफ़ सा मानते कि था क्या इसमें, कुछ भी नहीं था, और उसका बेनिफिट क्या होता है, टाइम वेस्ट ना, स्पीड बढ़ती है बेवजह में डाटा का, और अपना यूज चला जाता है। तरीका बिल्कुल आसान है, जो देखो आपके मोबाइल में ही है, बस आपने कभी ध्यान ही दिया क्या, आपके मोबाइल में LTE, जैसे जो जियो की सिम है, या फिर आपने 4G, अगर आपका मोबाइल है, आप कोई और कंपनी का सिम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, LTE हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। जियो का जो सिम है वो तो LTE पे ही चलता है, उसके अलावा वो चलता ही नहीं। अगर आप उसको 4G से 3G या 2G में सेलेक्ट कर देंगे ना, नेटवर्क जो सेटिंग होती है वहाँ से, तो सिम की नेटवर्क ही चली जाती है, वो काम करना बंद कर देता है, ना उस पर कॉलिंग आती है, ना इनकमिंग होती है, ना आउटगोइंग होती है, नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं उसके। तो करना क्या होता है, देखिए हमें जो ये ट्रिक है उसके लिए चाहिए 2 मोबाइल, एक आपका हो गया और एक किसी भी दूसरे का, दोस्त का। ज़रूरी नहीं है कि आप मान लो आपका मोबाइल दोनों साथ साथ होने चाहिए, जैसे शेयर इट करते हैं हम, फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों मोबाइल आसपास होने चाहिए। जो मैंने मतलब जो मेरी ट्रिक है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आपके दोनों के मोबाइल आसपास हो, जरूर आप चाहे तो, जैसे आप मान लो दिल्ली में हैं और आपका फ्रेंड है जो कोई मुंबई में है, ठीक है, तब भी ये ट्रिक पॉसिबल है। आप सोचेंगे कैसे कैसे हो सकता है पॉसिबल, चलिए देखते हैं, ठीक है। करना क्या है, देखिए अपने मोबाइल फ़ोन से, अगर आपका मान लो आपके दोस्त या फैमिली मेम्बर का मोबाइल आपके पास में है, ठीक है, अपने फ़ोन से किसी भी नंबर को कॉल करना है, और दूसरे फ़ोन से क्या करना है, कॉल को रिसीव करना है और कॉल को बंद नहीं करना है। मतलब एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अपने फ़ोन से दूसरे नंबर को कॉल करना है और दूसरे फ़ोन से कॉल को रिसीव करना है, ठीक है। अब दोनों जो फ़ोन हैं वो कनेक्ट हो गए कॉल पे। अब एंड्रॉयड जो हमारे मोबाइल हैं उसमें क्या होता है कि हम कॉल के बैक में जा सकते हैं। अब क्या होगा कि आपका जो डाटा का स्पीड है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए जैसे मेरा ये मोबाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ना, ये मेरे मोबाइल का है सुबह का, जैसे मैंने बताया था कि हमारा घर थोड़ा आउट ऑफ सिटी है, तो वहाँ पे जो नेटवर्क की मिनिमम मतलब नॉर्मली स्पीड रहती है 1-2 KBPS, इस तरह की स्पीड आती रहती है। इसमें आप देख भी सकते हैं 1.56 KBPS की स्पीड शो कर रहा है, ठीक है, ये टेक्निक यूज़ नहीं की थी, उससे पहले का है नॉर्मल स्क्रीनशॉट। और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड रहती है, मतलब जो मोबाइल डाउनलोडिंग या अपलोडिंग के टाइम दिखाता है, हमारे वहाँ तो 46.9 KBPS की स्पीड आती है। अब जब मैंने ये टेक्निक यूज़ की, मीन्स मैंने कॉल करा, देखिए ये आप देख भी सकते हैं, इन कॉल UI, मतलब कॉल चल रही है बैकग्राउंड में, और तब मैंने नेट यूज़ किया, डाउनलोडिंग करी, ठीक है, उस टाइम पे स्पीड कितनी आ गई, 262 KBPS, कहाँ 40 KBPS की स्पीड आ रही थी और कहाँ 262 KBPS की, ये नॉर्मल स्पीड बन जाती है, इससे ज़्यादा भी आ जाती है कई बार, सारा
जो नेटवर्क जो ये डाउनलोडिंग की स्पीड है वो किस पे निर्भर करता है, हमारे नेटवर्क पे। होता क्या है कि जैसे अगर हम मान लो कॉल में नहीं है तो हमारे वहाँ नेटवर्क कम ज़्यादा कभी कम हो जाएंगे कभी ज़्यादा हो जाएंगे, तो स्पीड अप डाउन रहती है। बट जब हम कॉल में रहते हैं ना तो नेटवर्क है जो वो बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली मोबाइल के, और स्पीड हमें आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा ही मिलेगी। अब कोई सोचे मैंने ट्रिक आजमाई हो, या फिर हो सकता है भाई मेरे ही मोबाइल में स्पीड आई हो, तो मैंने इसकी दोबारा टेस्टिंग करी, ऑथेंटिक है क्योंकि मैंने खुद भी यूट्यूब पे बहुत सारा मतलब वीडियो देखी हैं जिनमें मतलब मैं ट्राई करता था कि मेरे मोबाइल की स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि मेरे को देखो स्टडी चैनल है मेरा, आपको पता है टॉपर्स प्राइम, तो वीडियोज़ वगैरह अपलोड करनी पड़ती हैं, काफ़ी लेंथी होती हैं, कई एम बी की फाइल होती है, तो दिक्कत होती थी, फाइल अपलोड ही नहीं होती थी, बहुत कई कई घंटे भी लग जाते थे। मैंने दो दो तीन तीन घंटे लगाए हैं एक फाइल अपलोड करने में, और इसकी वजह से कई बार हमारा चैनल है जैसे लेट फाइल अपलोड कर पाता था या लेट वीडियो अपलोड कर पाता था, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको उनकी जो नोटिफिकेशन है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वो थोड़ा लेट मिलते थे। तो मैंने टेक्निक देखी क्या, मैंने खुद मतलब कल मतलब बाई चांस ये मैं कर रहा था तो मुझे पता लगी, तो फिर मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर दूँ। तो देखिए ये मेरे फ्रेंड का मोबाइल है और इसमें स्पीड देखिए 186.2 KBPS, ये दूसरी लोकेशन है, मेरा घर नहीं है, मेरे घर पे आपको मैंने दिखाया 262 KBPS मैक्सिमम स्पीड आती है। तो ये हम दिल्ली में हैं, मेरे ऑफिस पे हूँ मैं, तो वहाँ जो नेटवर्क कवरेज है वो बढ़िया रहती है, तो 186.2 KBPS की स्पीड थी नॉर्मली, ठीक है, वीडियो प्लेइंग है ये यूट्यूब में, हाई क्वालिटी था वीडियो का बिल्कुल, जो मैक्सिमम था वो चलाया हुआ था। और जो इसकी डाउनलोडिंग देखी मैंने यहाँ पर नॉर्मली 413 मतलब मैक्सिमम थी ये मैक्सिमम, हमने कई मतलब कई अप डाउन होते रहते थे तो मुझे ज़्यादा स्क्रीन शॉट ऐड करने सही नहीं लगे, तो मैंने सिर्फ ये मैक्सिमम जो स्पीड आई थी 413 की ये स्क्रीन शॉट लगाया है। तो जो नॉर्मल थी वो 180 KBPS और मैक्सिमम क्या थी 413 KBPS, इससे ज़्यादा स्पीड आई ही नहीं जब तक हमने वो टेक्निक यूज़ नहीं की थी। अब मैंने क्या किया, वीडियो को पॉज कर दिया था जो डाउनलोडिंग थी, ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे अब डाटा बिल्कुल भी रिसीव नहीं हो रहा, 0.1 KBPS की स्पीड थी। इसके बैकग्राउंड में कोई ऐप नहीं थी, नेट वेट कुछ नहीं चल रहा था, बस यूट्यूब चलाया हुआ था हमने क्योंकि मुझे ये टेस्ट करना था। अब देखिए डाउनलोडिंग जैसे मैंने स्टार्ट करी दोबारा से तो स्पीड कितनी आई, 684.9 KBPS, ठीक है, पीक पे थी, मतलब नॉर्मली ये स्पीड चली 684.9, मतलब कहाँ स्पीड कितनी थी आपने देखा 400 KBPS, और यहाँ कितनी हो रही है 684, लगभग 700 मान लीजिए 700 KBPS की स्पीड बढ़ गई, मतलब 250 से 300 KBPS की स्पीड आपकी बढ़ जाती है। और जो इसमें मिनिमम स्पीड आई थी 462, मतलब जो ये टेक्निक यूज़ नहीं करी थी जब, कितनी मैक्सिमम आई थी 462, इसमें मिनिमम 462 आई है, और आपके लिए प्रूफ के लिए दिखा दूँ ये कॉल चल रही है उस टाइम पे, मतलब कॉल चलते चलते बैक में बैकग्राउंड में जैसे मैंने बताया हमें नेट सर्फिंग करना है या कुछ मान लो डाउनलोडिंग करना है तो कॉल को कनेक्ट रहने दो, डिसकनेक्ट मत करो और फिर अपनी जो नेट है वो यूज़ कर लो, क्योंकि देखिए जियो है, जियो फ्री कॉलिंग देता है तो आपका पैसे तो लग नहीं रहे, तो इससे स्पीड ये बढ़ गई थी। होप सो यू विल ऑल्सो गेट द सेम स्पीड, आपको भी कई बार काम पड़ता होगा जैसे मुझे परेशानी होती थी। ये मैंने वीडियो क्यों बनाई, थोड़ा अपने एजुकेशन चैनल से हटकर, क्योंकि कोई भी है उसको ज़रूरत पड़ सकती है नेट की स्पीड, उसको जब अगर कम आए और उसको कोई ज़रूरी काम हो, जैसे हमें कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है या कोई हमारे एडमिट कार्ड हैं, DSSB में आपने देखा होगा नेटवर्क की जो स्पीड थी वो कम थी, तो कई बच्चों के जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड ही नहीं हो पा रहे थे, तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी सर नेटवर्क हमारे एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे, तो वो रीज़न क्या होता है हमारा जो नेट है ना वो स्लो होता है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये सिर्फ जियो में ही नहीं और भी कंपनी के सिम में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरे पास वोडाफोन है जियो है दोनों हैं, तो मैंने वोडाफोन पे भी इसको ट्राई किया था, सेम स्पीड का मतलब बूस्ट मिला था, मीन्स इससे स्पीड बढ़ जाती है और आपको फास्ट इंटरनेट मिलता है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी ऑब्वियस सी बात है आपका काम भी जल्दी होगा और आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ये वीडियो आप देख रहे थे टॉपर्स प्राइम चैनल पर,
होप्स वो आपने अब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो जो रेड बटन है सब्सक्राइब का उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो लाइक बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और आपका प्यार ऐसे ही आप दिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।